ये सारे काम इसके अंदर हैं। एक उधर वर्कमैन है, वर्कमैन की मैंने लास्ट वीडियो डाली अभी, उसको चेकआउट कर लेना। इसमें सीट का जो है मॉडिफिकेशन होने वाला है, कंफर्टेबल जो है सीट अगर बनवानी है आपको किसी भी स्कूटी की, किसी भी स्कूटी की मतलब किसी भी स्कूटी की, तो बन जाएगी। इसके अलावा एक यहाँ R15 बी4 इसमें लोडिंग है, ये लोड है अभी और बहुत सारा काम लैमिनेशन होगा उसके बाद बाकी काम। इसके अलावा यहाँ पर TVS रेडर है जिसमें PPF लैमिनेशन का काम किया जा रहा है, और भी काम है इसके अंदर तो दिखाएंगे आपको बाद में। तो ये है शॉप के अंदर, आपको पता थोड़ा सा काम चल रहा है इसमें, तो डिस्प्ले डिस्प्ले की प्रॉब्लम हो रही थी तो उसके लिए यहाँ पर थोड़ा। और यहाँ पर है अपनी होंडा SP, इसमें भी काफ़ी सारी मॉडिफिकेशन है, सेंटर लॉकिंग वगैरह, हैंड गार्ड, वाइजर और टायर हैगर वगैरह है। और एक यहाँ पर भी है TVS Ronin, और एक होंडा SP है थोड़ा सा ब्रदर, ये दिखा दो एक बार। तो ये SP का, राइडर का, इन सब का अलग अलग वीडियो मिलेगा आपको, सब एक वीडियो में नहीं है, लेकिन आज का जो टॉपिक था वो था होंडा एक्टिवा 125। तो बहुत सारी बातें कर ली हैं, लास्ट में कस्टमर का रिव्यू भी है, वीडियो करते हैं स्टार्ट में, बहुत लंबा हो जाएगा। तो बाकी वीडियो देख लो, बाकी अगर आपके पास भी अगर चैनल जरूर सब्सक्राइब करें भाई, ऐसी वीडियोस ना मुझे लगा पता नहीं क्या यार, ऐसी वीडियोस हर जगह नहीं मिलती, सिर्फ हमारे चैनल पर मिलेगी। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके लिए हमें कोई जबरदस्ती नहीं करेगी, नहीं जी करो मत करो, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं आएगा, इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, आगे वीडियो देख लो। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो अपने सामने है होंडा एक्टिवा 125, और इसको किया गया है रीस्टोर। अभी जो कंडीशन आप देख रहे हो उसके इंजन में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी, इसको सॉल्व किया गया है, और उसके बाद इंजन की सर्विसिंग वगैरह करने के बाद इसके जो पार्ट्स वगैरह थे, जो प्लास्टिक के पार्ट्स इसमें आते हैं उसको जो है नया डाला गया है, और जो मेटल के पार्ट्स थे उसमें डेंटिंग पेंटिंग करने के बाद कुछ इस तरीके से लुक आया। और फ्रेंड्स अगर आप देखोगे, अगर मैं आपको यहाँ से ना दिखाऊँ, यहाँ से दिखाऊँ तो आपको लगेगा ये शोरूम में खड़ी है, जबकि ऐसा नहीं है, इसको जो है रीस्टोर किया गया है, और कंडीशन की बहुत ज़्यादा बेकार थी। और यहाँ पर इसका जिसके बाकी का सामान जिसमें सीट वगैरह भी जो है अभी मॉडिफाइड की गई है, और बॉडी पार्ट्स वगैरह जो है वो किस हद तक इसमें जो है जेन्युइन तरीके से दिख रहे हैं वो मैं दिखाऊंगा आगे वीडियो में। और अभी क्या है इसकी थोड़ी सी ना फिनिशिंग का काम इसमें बाकी है, तो फिनिशिंग करते हैं और इसको फिट वगैरह करते हैं, फाइनल में आपको दिखाऊंगा कंडीशन। अभी आप देख सकते हो, और इससे पहले जब ये आई थी उसका वीडियो मैं ले नहीं पाया किसी कारण से, तो अगर वो आप देख लेते फिर तो मज़ा आ जाता, बट जितना भी हो सका मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी के सिनेरियो में आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से लुक आ रहा है, इसे फाइनल पे दिखाता हूँ मैं आपको कैसा लुक आएगा, और इसमें काफी सारी मॉडिफिकेशन भी की गई है। Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. So finally, dosto. होंडा एक्टिवा 125 हो चुकी है कंप्लीट, जो कि इसमें सारा रीस्टोरेशन हो गया, मॉडिफिकेशन हो गया, ऑलमोस्ट जितना भी काम था इसमें वो सारा डन कर दिया गया है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि मैं इसका वीडियो नहीं ले पाया था, जब इस कंडीशन इसकी आई थी काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा डेंट पड़े हुए थे, इसका जो आपको पता है जो मेटल के जो पार्ट हैं इसके ये काफ़ी ज़्यादा डैमेज थे, ये सब जो है ना ये सब खराब हो चुके थे, पेंट वगैरह भी इसका जो है पीला पड़ चुका था। तो फर्स्ट ऑफ इसमें जो हमारा काम करने का था वो था इसमें सबसे पहले डेंटिंग का काम, उसके बाद इसमें पट्टी वगैरह भर के, फिर उसके बाद इसमें पेंटिंग का वर्क किया गया, पेंटिंग के कई सारे कोट लगे हैं इसमें, जो कि अब आपको कहीं ना कहीं ब्रांड न्यू वाला इसमें लुक देखने को मिल रहा होगा। और इसके जो ये लोगो हैं एक्टिवा 125 के, ये भी चेंज हुए हैं, बिल्कुल दोबारा से नए लगाए गए, ये देखो। तो बॉडी पार्ट से पहले जो इसमें वर्क किया गया था वो किया गया था इसके इंजन को लेकर, यानी कि इंजन का सारा चेकआउट किया गया था कि इसमें कहाँ क्या दिक्कत आ रही, जो पार्ट खराब थे उसको जो है रिपेयर किया गया है, जो खराब होने वाले थे जो बिल्कुल ही डैमेज थे जो रिपेयरिंग की कंडीशन रही उनको चेंज करके, उसके बाद इसकी सर्विसिंग वगैरह जो हो गई, उसके बाद कहीं जाके फिर इसके जो है अपर पार्ट की बारी थी, जैसे कि जो पार्ट्स वगैरह मैंने आपको बताया डेंटिंग वगैरह का काम था वो करने के बाद कुछ पार्ट ऐसे थे जो नए लगे, जैसे कि मीटर हो गया, जो ये वाला पार्ट होगा, ये सारा जो ऑल ओवर जो प्लास्टिक का जो ये वाला एरिया ये सारा नया डला है इसमें, ये सब मीटर के साथ में। इसके अलावा जो ये वाला पार्ट था ये भी नया लगा है, और जो इसके अलॉय व्हील्स थे इस पर जो है रीपेंट किया गया है ब्लैक मैट में, ये देखो, जो कि आगे भी और पीछे भी दोनों साइड में ये भी चीज़ थी। तो जिसके बाद रीस्टोरेशन के बाद फिर जो है मॉडिफिकेशन का वर्क किया गया वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रंट से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक वाइजर इंस्टॉल किया गया जो काफ़ी बड़ा है, और एक्चुअल में जो वाइजर है वो यही है, बाकी छोटे छोटे वाइजर आते हैं वो सिर्फ लुक के लिए होते हैं, ये एक्चुअल में वर्क करता है। तो ये वाइजर हो गया। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो मिरर है जिसमें कार्बन फिनिश आपको देखने को मिलती है कुछ इस तरीके से, जिसमें आपको ड्यूअल साइड इंडिकेटर का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो मैं इसका इग्निशन ऑन करता हूँ, और उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसमें सेंटर लॉकिंग भी इंस्टॉल किया गया है। सेंटर लॉकिंग में आपको दो की मिलती है, दो चाबी मिलती है कुछ इस तरीके से, जो कि आपको बिल्कुल कार वाला फील देंगी।
ये देख सकते हो। और इसको मैं मान लो लॉक कर देता हूँ, इसके बाद अगर कोई इसको टच करता है ना, यानी कि हैंडल वगैरह इसका लेफ्ट राइट या कुछ भी करेगा, तो ये कुछ इस तरीके से बजने लगता है। और इसको हम बंद भी कर सकते हैं, वरना क्या होता है जैसे कुछ लोग गली में पार्क करते हैं या घर से बाहर खड़ी करते हैं, बच्चों को पता चल जाता है तो वो बार बार इसमें यही करते रहते हैं, तो इसको आप बंद भी कर सकते हो अनलॉक पे। पार्किंग में मान लो अपने स्कूटी कहीं खड़ी कर दी है और पार्किंग में से कहीं और किसी ने लगा दी, यानी कि पार्किंग वाले ने कहीं और खड़ी कर दी, जगह चेंज कर दी और आप लोगों को नहीं पता, तो ये बटन दबा सकते हो आप। और आपको स्टार्ट करना हो तो सिंपली ये वाले बटन से आप इसको स्टार्ट भी कर सकते हो। ये तो हो गया आपके सेंटर लॉकिंग का यूज़। और अब मैं इसको नॉर्मली ऑन करता हूँ और फ्रंट से अब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, पहले फॉग लाइट बंद करता हूँ मैं इसकी। तो जी ये देखो, ये है इसका लुक। तो पहले मिरर ही दिखाता हूँ। कार्बन फिनिश के साथ यहाँ पर इंडिकेटर मिलता है आपको, इंडिकेटर सिर्फ इस साइड में नहीं मिलेगा आपको, बैक साइड में ही मिलेगा। ये देखो फ्रंट एंड बैक साइड दोनों तरफ इंडिकेटर का ऑप्शन, सामने वाला राइडर पीछे वाले राइडर दोनों को पता चलेगा कि स्कूटी ने किस साइड का इंडिकेटर दे रखा है। ये देखो वैसे तो यहाँ पर भी हैंड गार्ड है, यहाँ पर भी इंडिकेटर की कमी नहीं है, यहाँ भी इंडिकेटर है। तो कहना मतलब ये है कि ऑल ओवर जो कॉन्सेप्ट है इसका फुल्ली नोटिसेबल है। ये देखो जिन लोगों को ज़्यादा जो है इस तरीके की मोटिवेशन पसंद है, बाकी सिंपल जो रखना चाहें तो वो अपनी नॉर्मल स्कूटी को रीइंस्टॉल करा सकते हैं। तो ये मिरर हो गया और इस एंगल से कुछ ये वाला लुक आएगा देखो। और अब इसमें हैजार्ड भी ऑन कर रखा है, हैजार्ड के पैटर्न को एक्टिवेट करने के लिए आप इस स्विच को लेफ्ट राइट बीच में प्रेस या फिर राइट लेफ्ट बीच में प्रेस करते हो, जितनी बार उतनी बार इसके पैटर्न जो है वो चेंज हो जाते हैं। देखो अभी आपने जो पैटर्न देखे थे और अब आप देख सकते हो ये वाले पैटर्न। और इसके अंदर एलईडी बल्ब भी यूज़ किए गए हैं जो कि बहुत ही हैवी और ब्राइटनेस वाले हैं। ये देखो, और ये हैंड गार्ड आप देख सकते हो जिसमें ब्लैक और जो है वाइट का जो टच दिया गया है वो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी कॉम्बिनेशन मैच किया गया है। ये देखो, और इसके अलावा जो मैंने आपको बताया था पेंट वगैरह काम, यहाँ भी देख सकते हो। फिनिशिंग लेवल आप देख सकते हो बिल्कुल ब्रांड न्यू वाला है, इसमें टच आपको आने वाला है। एक एक चीज़ एक्सेसरीज भी इसमें जो है ऐड की गई है। और इसके अलावा यहाँ पर फॉग लाइट भी, फॉग लाइट के लिए जो स्विच यहाँ पर लगाया गया वो इतने बेहतरीन तरीके से लगाया गया, ऐसा लगेगा नहीं यहाँ पर स्विच है। ये देखो, और ये एक स्विच है और दोनों लाइटें कंट्रोल करेगा, यानी कि येल्लो भी और वाइट भी। देखो ये है वाइट और ये है येल्लो, और जो येल्लो है बेसिकली आप बरसातों में या फॉग के समय यूज़ करते हो तो काफ़ी कम चांसेस रहते हैं एक्सीडेंट के, और ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है। तो इसका इग्निशन ऑफ करता हूँ। यहाँ पर मैट लगाया गया, ये देख सकते हो आप। इसके अलावा क्रूज़र प्लस टूरिंग सीट जो काफ़ी कंफर्टेबल है, जिसमें जो राइडर होगा उसके लिए यहाँ पर बैकरेस्ट दिया गया है, और ये किसी भी स्कूटी में बनवा सकते हो आप। ज़रूरी नहीं है कि एक्टिवा ही, आपके पास एंटोर्क हो, वर्कमैन हो, एक्सेस हो या फिर आपके पास एरोक्स हो, कोई भी स्कूटी हो सबके लिए यहाँ पर मिल जाएगा। डिज़ाइनिंग वगैरह आप चाहो सिंपल रख सकते हो और कंफर्टेबल काफ़ी है। तो ये तो हो गया राइडर के लिए बैकरेस्ट, ये हो गया पिलन राइडर के लिए बैकरेस्ट, यानी कि जो पीछे राइडर बैठेगा आपके या जो बैठेंगी तो उनके लिए है ये। और यहाँ पर आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो एडजस्ट करके, ये हो गया। और यहाँ पर हैंडल बार पे हैंड ग्रिप भी इसकी चेंज की गई है। ये देखो स्विचेस वगैरह भी इसके सारे नए डले हैं, ऑलमोस्ट सारा ही काम इसमें जो है किया गया। गाइस आपको क्या पसंद आया ये आप मुझे बता सकते हो। और ये इस तरीके की जो मॉडिफिकेशन है मैंने आपको बताया किसी भी स्कूटी में आप करा सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक्टिवा ही हो। तो दोस्तों वीडियो तो आपने पूरी देख ली है, फिर भी मैं थोड़ा सा एक बार दिखाना चाहता हूँ और कस्टमर रिव्यू भी लेना चाहता हूँ कुछ सिकंदर भाई ने कुछ थोड़ा सा मैं भी। ये देखिए वाइजर जो पहले देखा था वो दूसरा तो डिजाइन ही देखिए भाई, जो लेटेस्ट वर्क है वो वाइजर का है, जो कि पर्सनली मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो थोड़ा सा लंबा करा जाए। और ये डिजाइनिंग इधर भी साइड में, बाकी ओवरऑल लुक तो आप देख ही रहे हैं। जो ओल्ड गाड़ी थी आई थी कबाड़ और हम बेच रहे हैं इसको नई करके, पूरी सीट हो गई, मैट हो गया, बाकी डेंटिंग पेंटिंग और भी सारे आइटम ज़्यादातर नई डली हुई इसके अंदर, आप देख सकते हैं। बाकी बैकरेस्ट लेटेस्ट वाली और सीट, बाकी कुछ बोलने वाले तो कुछ इसमें है ही नहीं, सारा कुछ दिख ही रहा ओवरऑल। और उसके बाद दिखा बल बुलाते हैं भैया को जिनकी स्कूटी है। आओ भैया। तो हेलो दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा राजू भाई, मैं जब अपने पास स्कूटी लेकर आया था भाई के पास थोड़ा जोर से बोलो, तो मैंने सोचा नहीं था कि मेरी स्कूटी इस लुक में आएगी, बट जो काम हुआ है बेस्ट टू बेस्ट हुआ है और एक्स्ट्रा हुआ है, जितना मैंने बोला था उससे एक्स्ट्रा ही हुआ है। और